चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मिशन महाराष्ट्र पर गृह मंत्री अमित शाह कल रहे, पुणे में बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन को उन्होंने संबोधित किया। उद्धव ठाकरे को बताया औरंगजेब फैन क्लब के नेता। तो देखिए बिल्कुल, शरद पवार को उन्होंने ना सिर्फ घेरा, शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उन्होंने सरगना बताया। शरद पवार के शासन में मराठा आरक्षण गायब हो जाएगा, इस बात का जिक्र भी गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आते हैं। एक बार जरा सुनिए उन्होंने किस अंदाज में हमला बोला। मैं आज यहाँ आया हूँ तब आपको कहना चाहता हूँ, ढेर सारी भ्रांतियां चल रही, भ्रांतियां चलाई गई, हम लोग भ्रांतियों में ना आए। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, हम जवाब देने में कहीं कहीं संकोच करने लगे, लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा हुई। आज मैं कहने आया हूं कि अगर 10 साल का एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी के समय में ही मिला और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी आरक्षण को बल देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इन्होंने संविधान का विषय कहा, हमने जवाब नहीं दिया, हम सब भ्रांति से बाहर आए। अब चुनाव महाराष्ट्र में आया है, नए नए प्रकार की इल्यूजन पवार साहब खड़ा कर रहे हैं। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी, ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझ कर वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में, बताइए जरा। अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे, हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। तो अमित शाह ने शरद उद्धव पर भी निशाना साधा, तमाम बातों का जिक्र किया। देखिए अधिवेशन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही विरोधियों पर भी निशाना साधा। और क्या कुछ उन्होंने कहा निशाना साधते हुए, सुनिए। बात मान कर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। आज हमने संकल्प लेना, हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए निकले हुए लोग नहीं, हम विचारधारा को लेकर राजनीति के मैदान में आए। हमारी पार्टी की स्थापना का कारण ही विचारधारा था। जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है, जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे, वो हारने के बाद अहंकारी हो गए।